हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसमें से बहुत सारी सेटिंग को करना पहले ही से आता होगा, जैसे सिस्टम, डिवाइस, नेटवर्किंग। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी सेटिंग करना आती होगी, लेकिन दोस्तों जो नए यूज़र होते हैं, जिन्होंने नया नया कंप्यूटर या लैपटॉप लिया होता है, उनको इनमें से बहुत सारी सेटिंग करनी नहीं आती। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर दी जाने वाली जितनी भी प्रकार की सेटिंग है, सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस पेज पे जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, चाहे वो सिस्टम हो, डिवाइस हो, नेटवर्क हो, पर्सनलाइजेशन अकाउंट, यहाँ तक कि दोस्तों जो लास्ट में अपडेट एंड सिक्योरिटी है, इसके अंदर दी जाने वाली सभी प्रकार की सेटिंग को एकदम डिटेल में बात करूंगा और आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ताकि जो नए यूज़र आए हैं, जो नया नया लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना सीखें, तो वो इन सभी सेटिंग्स को बड़े ही आराम से समझ सके और उसमें चेंजेस ला सके। तो सबसे पहले दोस्तों, नए यूज़र के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि आपको इस सेटिंग के पेज पे आना कैसे है, क्योंकि नए यूज़र को बहुत सारी दिक्कत होती है स्टार्टिंग में जब वो कंप्यूटर सीखते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस पेज पे आना कैसे है, उसके बाद इस सिस्टम वाले पेज, मतलब इस सिस्टम वाले ऑप्शन के अंदर हम चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी सेटिंग है। तो दोस्तों, पहले मैं इसको काट देता हूँ। दोस्तों, आपको सेटिंग वाले पेज पे जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे एक विंडोज़ का आइकन दिखेगा, आप जस्ट इसी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन पहले से दिया होता है, ये लगभग सभी विंडोज़ कंप्यूटर में बड़े ही आसानी से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये मेरा सेटिंग वाला पेज खुल गया है। तो जो सबसे पहले सेटिंग है सिस्टम, हम इसी के ऊपर चलते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्प्ले, नोटिफिकेशन एंड एक्शन, ऐप्स एंड फीचर, और दोस्तों इसी तरह ढेर सारी सेटिंग दी है। लास्ट में दोस्तों अबाउट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्प्ले को ही कवर करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी सेटिंग को बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बता भी दूंगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो देखना लोग पसंद नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं सिर्फ डिस्प्ले को ही कवर करूंगा और इसमें जितनी भी प्रकार की सेटिंग है उसको एक आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, आप जब डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले एक नंबर दिख रहा है। अब इस एक नंबर का क्या मतलब है? तो दोस्तों, जो आपकी ये जो डिस्प्ले आपको ये पूरी दिख रही है, ये दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब डिवाइस पे शो हो रही है। जो मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाली स्क्रीन सिर्फ एक ही डिवाइस पे शो कर रही है, इसीलिए यहाँ पे 1 है। अगर दोस्तों मैं इसी स्क्रीन को किसी दूसरे कंप्यूटर पे या किसी दूसरे टीवी पे या दूसरे किसी एलसीडी पर भी डिस्प्ले करवाऊँ, तो इसके नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे और आपको यहाँ नंबर भी दिख जाएगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो कितने अलग अलग डिवाइसेस पे डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों, इसका बस यही काम है कि ये बताता है कितने नंबर ऑफ डिस्प्ले पे आपकी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों ये दिखा रहा है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब दोस्तों यही एक है कि एक डिवाइस पे आपका ये स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है। अब दूसरा है दोस्तों डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपने कितनी अलग अलग टाइप की डिवाइसेस पे अपनी इस स्क्रीन को डिस्प्ले करवाया है। अगर दोस्तों आपने सिर्फ एक ही पर करवाया तो आपको यहाँ पे एक ही दिखेगा, लेकिन दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने ढेर सारी मतलब अलग अलग टाइप की डिवाइसेस पे अपनी स्क्रीन को डिस्प्ले करवाया, तो दोस्तों यहाँ पे उसका रिकॉर्ड दिख जाएगा कि आपने किस किस डिवाइसेस पे अपनी इस कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन को डिस्प्ले करवाया है। तो दोस्तों यही होता है डिटेक्ट का मतलब। अब दोस्तों जो ये थर्ड नंबर पे दिख रहा है आपको, कनेक्ट टू वायरलेस डिस्प्ले, अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वायर, मतलब कि बिना किसी वायर के माध्यम से अपने इस डिस्प्ले को किसी दूसरे डिस्प्ले में दिखाना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप अपने इस कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को किसी दूसरे कंप्यूटर या मतलब डिवाइसेस पे उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों बस यहाँ पे एक ये कंडीशन है कि जिस भी डिवाइस में आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसमें वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये केबल के माध्यम से नहीं बल्कि वायरलेस ही होगा। तो आपको दोस्तों उस डिवाइस में वाईफाई या ब्लूटूथ जैसे फीचर होंगे तभी आप उसको वहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। दोस्तों मेरे पास अभी कोई भी वायरलेस डिवाइस ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से मैं इसको डिस्प्ले करवा सकूं। अगर मेरे पास होता तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करा के दिखा देता। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब समझ में आ गया। अब हम दोस्तों अगला देखेंगे। दोस्तों अब जो अगला ऑप्शन है वो है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम्स।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट एप्स एंड अदर आइटम। दोस्तों इसको पढ़ने ही से ही समझ में आ रहा है कि दोस्तों जैसे ही हम इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसको घटाने बढ़ाने से क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये मेरा टेक्स्ट था। कंप्यूटर में दोस्तों जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनको हम टेक्स्ट वगैरह कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका साइज भी बढ़ गया है। अब दोस्तों जैसे ही आप फ्रंट के आइकन फेंगे तो देखेंगे दोस्तों ये मेरे आइकन वगैरह बड़े बड़े हो गए। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके अपने आइकन या टेक्स्ट को घटा बढ़ा सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ही ठीक होता है। अगर आप फिर भी चाहें तो इसको घटा बढ़ा के देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अगली सेटिंग के ऊपर चलते हैं जो कि है ओरिएंटेशन। दोस्तों ओरिएंटेशन के नीचे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो अभी दोस्तों मेरा लैंडस्केप पर है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों लैंडस्केप में होता क्या है, लैंडस्केप कहते किसके हो है? तो दोस्तों जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है और कंप्यूटर की स्क्रीन होती है लैंडस्केप होती है। मतलब कि जो आप यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसकी जो मतलब की लंबाई होती है ये ज़्यादा होती है, और जब टॉप से बॉटम तक आएंगे तो जो इसकी मतलब हाइट है ये छोटी होती है। लेकिन दोस्तों जो पोर्ट्रेट मोड होता है, पोर्ट्रेट मोड किस में देखने को मिलता है दोस्तों, ये ज़्यादातर मोबाइल में देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों होता क्या है, टॉप से लेकर बॉटम तक आएंगे तो वो आपको मतलब हाइट में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन दोस्तों जैसे आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो वो आपको छोटा दिखेगा। तो दोस्तों जो लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन होती है इस टाइप की स्क्रीन को लैंडस्केप कहते हैं, और जो मोबाइल वगैरह की जो स्क्रीन होती है उसको पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। अभी दोस्तों जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये लैंडस्केप में है, लेकिन जैसे ही मैं पोर्ट्रेट मोड पे इसको क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा ये डिवाइस रोटेट हो गया है और ये पोर्ट्रेट मोड में चला गया है। अगर दोस्तों आपको इसी कंडीशन में अपनी इस डिवाइस को यूज़ करना है तो आप यहाँ पे कीप चेंजेस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो 15 सेकेंड के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों 15 सेकेंड के बाद ये फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। तो दोस्तों इसी तरह लैंडस्केप फ्लिपेड भी है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये मेरी स्क्रीन रोटेट होकर एकदम उल्टा हो गई। अगर दोस्तों आपको इस कंडीशन में अपनी डिस्प्ले को यूज़ करना है तो कीप चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, ये इसी कंडीशन में यूज़ होगी, नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे टाइमर देखें 15 सेकेंड के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों फ्लिपेड भी है लास्ट वाला, इसके ऊपर भी क्लिक करके जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों मेरी फिर स्क्रीन फिर से मतलब रोटेट हो गई। अगर दोस्तों आपको इसी कंडीशन में यूज करना है तो फिर आप कीप चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, ये इसी मतलब पोजीशन में हो जाएगी, नहीं तो 15 सेकेंड के बाद ये अपने नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो दोस्तों ये सेटिंग काम कब आती है, दोस्तों ये सेटिंग हमारी तब काम आती है जब हमारा स्क्रीन कहीं से थोड़ा बहुत डैमेज हो गया हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो लंबे समय तक यूज़ करने के बाद होता क्या दोस्तों, स्क्रीन हमारी कहीं से थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी इतनी स्क्रीन डैमेज हो गई हो और इतने में दिख रहा हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर इसको आपको पढ़ना है तो आप इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। तो कुछ देर के लिए आप अपना काम चला सकते हैं जब तक कि अपना डिवाइस मतलब ठीक ना हो जाए। तो दोस्तों उस केस में इस टाइप की सेटिंग बड़ी काम आती है कि आप अपने जो स्क्रीन है इसको रोटेट कर करके अपना काम चला लें जब तक कि बन नहीं जाता। बनने के बाद दोस्तों इसी तरह नॉर्मल आप मतलब कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। अगली सेटिंग है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे एडजस्ट ब्राइटनेस लेवल। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए, अभी देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने इसको आगे बढ़ाया ब्राइटनेस बढ़ गया, अब दोस्तों जैसे ही मैं इसको नीचे करूँगा तो ब्राइटनेस घट जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप बस इसको ब्राइटनेस को घटाने बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अगला एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। दोस्तों नॉर्मल यूज़र के लिए तो ये ज़्यादा होता नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा दोस्तों कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप नए यूज़र हैं तो इसके अंदर ज़्यादा छिड़काड़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसके अंदर जाके ज़्यादा छिड़काड़ करते हैं तो हो सकता है कि आपकी कुछ डिस्प्ले की सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसके ऊपर चलते हैं। जाने के बाद दोस्तों आपको एक नंबर यहाँ दिख रहा होगा, इसका मैंने मतलब बता ही दिया है, आइडेंटिफाई डिटेक्ट कनेक्ट टू वायरलेस डिवाइस, इसका भी मैंने मतलब बता दिया है। अब दोस्तों आपको यहाँ रेजुलेशन दिख रहा होगा, तो रेजुलेशन में यहाँ दोस्तों मतलब 1366x768। अब दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों ये पिक्सल्स की संख्या बताता है, यानी कि लेफ्ट से राइट तक पिक्सल्स की संख्या और टॉप से लेकर बॉटम तक की पिक्सल्स की संख्या। दोस्तों मैं रेजुलेशन पर किसी दिन डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये
अपने आप में ये एक बड़ा चैप्टर है, इसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो लगेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए पिक्सल्स के बारे में जानकारी देता है। अब दोस्तों हम अगला चलते हैं रिलेटेड सेटिंग में। यहाँ पे आपको दोस्तों चार तरीके की सेटिंग दिखेंगी। जो पहला है कलर कलर कैलिब्रेशन। तो दोस्तों इससे होता क्या है, इस ऑप्शन से हम दोस्तों कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये डिस्प्ले दिख रहा है, इसका मेन कलर बैकग्राउंड वाइट है। आपको यहाँ टेक्स्ट ब्लैक में दिख रहे होंगे, कुछ टेक्स्ट दोस्तों आपको ब्लू वगैरह में देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे, आप इसके टेक्स्ट को, इसके बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला है क्लियर टाइप टेक्स्ट। अब दोस्तों ये क्या होता है, अभी दोस्तों आप जितने प्रकार के यहाँ टेक्स्ट दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एडवांस डिस्प्ले सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, यहाँ डिटेक्ट लिखा हुआ है, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे जितनी चीज़ें आप यहाँ पे लिखी हुई देख रहे हैं, इसको कोई भी पढ़ सकता है, मतलब ये रीडेबल फॉर्म में। लेकिन दोस्तों जैसे क्लियर टाइप टेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे ढेर सारे आपको अलग अलग तरीके की सेटिंग मिल जाएगी, जिससे ये जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा इसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा चेंज वगैरह हो जाता है, जिससे ये थोड़े से अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप चाहें तो उसको थोड़ा सा अनरीडेबल फॉर्म में कर सकते हैं, ताकि कोई दूसरा इजीली ना पढ़ सके। लेकिन दोस्तों अगर आप उस तरीके से कन्वर्ट नहीं करना चाहते, नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल करिए, इसमें कोई ज़्यादा बुराई नहीं है। दोस्तों इन सब सेटिंग का ज़्यादा लगभग कोई यूज़र करता नहीं है, ये बस थोड़ा सा टेक्निकल लोगों के लिए दिया हुआ है, कि अगर वो अपनी पीसी को नॉर्मल नहीं, थोड़ा अलग तरीके से यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला सेटिंग में बढ़ते हैं एडवांस साइजिंग टेक्स्ट एंड अदर आइटम्स। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा टेक्स्ट है, इसका साइज़ वगैरह को घटाने बढ़ाने के लिए, और दोस्तों जो इसके अंदर अलग टाइप की यहाँ पे सेटिंग दी है। दोस्तों इसके बारे में किसी अलग वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी देख रहे हैं कंट्रोल पैनल से संबंधित सेटिंग है। अगर मैं दोस्तों हर एक सेटिंग के बारे में बात करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो आप देखना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए इसको दोस्तों किसी अलग वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा। अगर दोस्तों आपको इस सेटिंग के बारे में जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये मेनली हमारे जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं, ये इसी को एडिट करने में मेनली काम आते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ आप लिखा हुआ चीज़ें देख रहे हैं, टेक्स्ट वगैरह इसी के एडिटिंग वगैरह में काम आती है। दोस्तों जो अंतिम लास्ट वाला है डिस्प्ले एडाप्टर प्रॉपर्टीज़। अब दोस्तों ये किस लिए होता है, तो दोस्तों जो हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो हमारे सिस्टम के एक चिप के द्वारा होती है, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक, मतलब कि डिस्प्ले करवाने के लिए एक चिप लगा होता है। बहुत सारे लोग दोस्तों, बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो अपने कंप्यूटर में वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ऐसे अलग अलग टाइप के कार्ड लगवाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट दिया होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे सिस्टम में ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड होते हैं, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो इस ऑप्शन के माध्यम से पता चलती है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखेंगे कि मेरे जो कंप्यूटर में डिस्प्ले करवाने के लिए चिप लगी हुई है, उसका यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा, उसका चिप टाइप दिख जाएगा, उसका DAC टाइप दिख जाएगा, यानी दोस्तों उसके बारे में बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो डिस्प्ले करवाने वाली चिप लगी हुई है, वो क्या क्या सपोर्ट कर सकती है, कितना सपोर्ट कर सकती है और कितना काम कर सकती है। यहाँ से आप इसकी डिटेल देखकर काफ़ी आसानी से पता लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेनली मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया कि आखिर इस डिस्प्ले वाले सेटिंग के अंदर आया क्या। अगर आप दोस्तों ऊपर की ये चार पांच सेटिंग के बारे में समझ गए होंगे, तो आपको बस इतना ही, मतलब इनफ है, आपको इसके अंदर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होता, ये जो थोड़े टेक्निकल लोग होते हैं, वही इसके अंदर थोड़ी सी छिड़कान करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल यूज़र होते हैं, उनके लिए तो हमारा जो ये डिफ़ॉल्ट मोड वाला डिस्प्ले होता है, यही काफ़ी होता है। नॉर्मल लोगों के लिए दोस्तों बस थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह चेंजेस करना हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहें तो इसके डिटेल में जा करके थोड़ी सी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली यूज़ करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने डिस्प्ले को बता दिया है, अगली वीडियो में मैं नोटिफिकेशन एंड एक्शन के बारे में बात करूंगा, आखिर ये इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये डिस्प्ले वाला वीडियो आपको पसंद आया हो।
अगर पसंद आ गया हो, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इस नोटिफिकेशन एंड एक्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।